हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। हियर आई एम डॉक्टर वंदना गुप्ता एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 71। जैसा कि आप लोग जानते हो, 70 तक हम क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब यहाँ पर हम 71 क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं और ये जो पेपर है आपका, ये PGT 2019 का पेपर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 71 क्वेश्चन है, द डाइट दैट इज इंटायरली इनएडुकेट फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट, हिंदी में देख लेते हैं, वो भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णता अपर्याप्त है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णता अपर्याप्त है, यानी कि इंटायरली इनएडुकेट फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट, यानी कि ऐसी डाइट जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जा रहे हैं, पूर्ण रूप से अपर्याप्त हैं, तो वो कौन सी डाइट है? मृदु भोजन है, पूर्ण द्रव भोजन है, अस्पष्ट द्रव भोजन है, नियमित भोजन है, सॉफ्ट फुल फ्लूड, क्लियर फ्लूड या फिर रेगुलर डाइट है, कौन सी डाइट है? तो देखिए, यहाँ पर जो इंटायरली इनएडिक्वेट, यानी जिसमें कि जो पोषक तत्व हैं वो नहीं पाए जाते हैं, उसमें अपर्याप्त होता है, वो डाइट है आपकी स्पष्ट द्रव भोजन, या फिर इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं क्लियर फ्लूड डाइट। तो अगर हम डाइट की बात करें तो ये आपकी थेराप्यूटिक डाइट होती है, यानी कि जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं उपचारात्मक आहार। ओके, अब जो उपचारात्मक आहार है ये आपका, इसको थेराप्यूटिक डाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के, तो थेराप्यूटिक डाइट का मतलब है कि जो हम जैसे जो हॉस्पिटल में डाइट दी जाती है, ओके, यानी कि जब कोई बीमारी होने पर या फिर बीमारी सही हो गई है उसके बाद जो डाइट दी जाती है, तो वो सब आपकी थेराप्यूटिक डाइट कहलाती है। अब उसमें उसको हम अस्पताल आहार या फिर हॉस्पिटल डाइट भी कह सकते हैं। अब इसमें दो प्रकार का, एक तो सामान्य होता है या फिर जिसे कि नियमित आहार, जिसे इंग्लिश में हम रेगुलर डाइट बोलते हैं, रेगुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है संशोधित आहार, इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं मॉडिफाइड, ओके, मॉडिफाइड डाइट। तो जो सामान्य या फिर नियमित आहार है, रेगुलर डाइट का मतलब है जो जनरली हम रेगुलरली जो ले रहे हैं डाइट, ठीक है। अब इसमें जैसे कि जो रेगुलर रूप से हम डाइट ले रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी हॉस्पिटल में डाइट दी जाती है, जैसे कि जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से सही हो चुका है, अब उसके बाद में क्या होता है, यानी कि हर प्रकार के वो जो है भोजन को ग्रहण कर सकता है, तो फिर उसको जो है सामान्य आहार देना स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन सामान्य आहार का मतलब है कि उसमें जो भी हमारे चारों फूड ग्रुप है, यानी कि आहार जो समूह, चार आहार समूह जो है हमारे रिसेंटली जो बनाए गए हैं, तो उससे जो है उस खाद्य समूह के अनुसार वो आहार होना चाहिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उनको पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि एक संतुलित आहार जो है वो आपका एक नियमित आहार होता है, ठीक है, वो दिया जाता है। मॉडिफाइड डाइट में दो आता है, एक तरल आहार और नरम। तरल का मतलब लिक्विड डाइट और नरम आहार का मतलब हो गया सॉफ्ट डाइट। तरल में भी दो है, स्पष्ट और पूर्ण। स्पष्ट का मतलब हो गया जो आपके क्वेश्चन में है, क्लियर फ्लूड, और ये है आपका फुल फ्लूड, ठीक है। अब नरम आहार का मतलब है, सबसे पहले हम इस पर आते हैं, क्लियर फ्लूड। अब क्लियर फ्लूड में क्या होता है कि ये उन पेशेंट को दिया जाता है जो कि बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार के भोजन को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है, यानी जैसे जिनकी सर्जरी वगैरह हुई है तो क्या होता है उसके जस्ट बाद में वो कुछ नहीं खा सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, क्लियर फ्लूड डाइट दी जाती है। क्लियर फ्लूड डाइट में पानी आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, ओके, और कार्बोहाइड्रेट, बस इतनी ही चीजें होती हैं इसमें। जबकि इसमें अगर हम कहें विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण, तो ये सब क्लियर फ्लूड डाइट में नहीं पाए जाते हैं, ओके, इसी वजह से इसको पोषक तत्वों की दृष्टि से अगर देखें तो ये अपर्याप्त माना जाता है, तो इसे ज्यादा समय तक नहीं दिया जा सकता है, अदरवाइज जो भी पेशेंट है उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो जब तक पेशेंट नहीं ले पा रहा है, स्पेशली ये डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, जो क्लियर फ्लूड डाइट दी जाती है। और जो पूर्ण तरल आहार है उसमें क्या होता है, पूर्ण तरल आहार का मतलब है कि जो ये भी लिक्विड डाइट ही होती है, तरल आहार ही होता है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट जो है सॉलिड
होते हैं, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें मान लीजिए सूप दे दिए हम, ठीक है, सूप दिया जा सकता है, और क्या है, दूध दिया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल होता है, एकदम क्लियर फ्लूइड डाइट नहीं होता है। स्पष्ट तरल आहार का मतलब है जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपने देखा होगा पेशेंट्स को जो है इंजेक्शन के थ्रू दिए जा रहे हैं, ग्लूकोज दिया जा रहा है, ठीक है, अलग से इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं। और जैसे बार्ले वाटर है तो वो भी आपका क्लियर फ्लूइड डाइट में, यानी कि कुछ भी उसमें सॉलिड पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं होता, नथिंग। ओके, पूर्ण तरल आहार में जैसे कि जूस दिया जा सकता है, जूस देते हैं, जब फ्रूट जूस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रूट के पार्टिकल्स आ जाते हैं। सूप है, सब्जियों का सूप होता है तो उसमें कुछ ना कुछ सब्जियों के पार्टिकल्स होते हैं। दूध है, तो इन सब, ये जो आपका पूर्ण तरल आहार होता है। तो सबसे पेशेंट से सर्जरी होती है तो जो फर्स्ट स्टेप होता है आहार देने का, तो उसमें पहले क्लियर फ्लूड डाइट दी जाती है, उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा पेशेंट थोड़ा सही हो जाता है, यानी कि अब वो थोड़ा सा बेटर डाइट लेने के हालात में होता है, तब फिर पूर्ण तरल आहार स्टार्ट किया जाता है। और जब पेशेंट और ज्यादा बेटर होता है, यानी कि अब वो कुछ खाने की स्थिति में होता है मौखिक रूप से, तो फिर जो है आपका नरम आहार, नरम आहार का मतलब है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट में जैसे कि आप हलवा दे सकते हो, दलिया बनाकर दिया जा सकता है, और हलवा दिया जा सकता है, खीर बनाकर दिया जा सकता है, सब्जियों मैश्ड जो है वेजिटेबल्स दिए जा सकते हैं, यानी कि ऐसा आहार जो कि आसानी से पचाया जा सके, क्योंकि पेशेंट इस हालत में नहीं हो सकता है कि बहुत ज्यादा सॉलिड होगा तो फिर वो भोजन को पचा नहीं पाएगा और उसको खाने में भी दिक्कत आएगी, तो इस वजह से जो है नरम आहार दिया जाता है। ओके, तो समझ में आ गया कि जो क्लियर फ्लूइड डाइट होता है उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, ना ही प्रोटीन होता है, ना ही विटामिन होता है, और ना ही खनिज लवण पाए जाते हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी होता है। चलिए फिर अब है रिपर इज 72 क्वेश्चन है, सिलाई का उपकरण है, काटने का उपकरण है, मापन उपकरण है, या फिर नत्थी करने का उपकरण है, सिविंग टूल, कटिंग टूल, मेजरिंग टूल, या फिर पिनिंग टूल, तो रिपर क्या है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिपर जो है एक सिलाई का उपकरण है, यानी कि सिविंग टूल है। अब यहां पर आप देख सकते हो ये है रिपर, इसको रिपर कहते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, यहां पर मैंने पिक्चर लिया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि रिपर होता क्या है। तो ये है, आपने देखा होगा जो दर्जी को देखा होगा, टेलर जो होते हैं, तो धागों को निकालने के लिए जैसे कि सिलाई हो गई है अब उनको उधेड़ना है, ठीक, तो क्या होता है, रिपर का यूज किया जाता है। अब यहां पर देखो कैसे किया जाता है, ये भी पिक्चर मैंने यहां पर एक रखी हुई है, ये यहां पर देख सकते हो इस तरीके से क्या होता है, इसे ये सिलाई हुई है, अब इसको खोलना होता है, तो फिर ये रिपर का यूज किया जाता है, और इसको दबाने के लिए भी जो है इनका यूज होता है। ओके, तो ये रिपर जो है यही सेविंग ट्यूल है, सिलाई का उपकरण है जो कि सिलाई में यूज किया जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 73 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया प्रोफाइलेक्सिस कार्यक्रम भारत में वर्ष डैश में शुरू किया गया था, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन इंडिया इन द ईयर 1962, 1970, 80, या फिर 75। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1970, यानी कि 1970 में जो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था इंडिया में 1970 में। 74 क्वेश्चन है कि एक बालक सावधान होगा जब वो डैश समझेगा, जानवरों का खतरा, खेलना, चित्रकारी, या फिर दिवासौ। अ चाइल्ड विल बी कॉशियस व्हेन ही अंडरस्टैंड्स डेंजर ऑफ एनिमल्स प्लेइंग, ड्रॉइंग, या फिर डे ड्रीम। अब कोई बच्चा है वो सावधान, सावधान होने का मतलब है कि जैसे कि अचानक से कोई चीज आ जाती है तो बच्चे एकदम बिल्कुल सावधान हो जाते हैं। ओके, तो फिर वो किस कैसी कंडीशन में वो जो है कॉशियस होगा, तो देखिए खेलने, जब बच्चे खेलते हैं तो वो सावधान होकर नहीं खेलते हैं, ठीक है, सावधान होकर खेलें बच्चे तो चोट ही ना लगे, तो फिलहाल वो सावधान होकर नहीं खेलते हैं। चित्रकारी, अब जो चित्रकारी है बच्चे इतने सावधान होकर चित्रकारी नहीं करते हैं, हाँ बड़ों की बात करें, एडल्ट की बात करें तो वो हाँ बहुत ही कॉशियस होते हैं,
बहुत ही सावधान हो करके पेंटिंग वगैरह चित्रकारी ड्राइंग करते हैं। दिवा स्वप्न में ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जानवरों का खतरा। बच्चे हैं क्या होगा अगर उनको पता है कि जानवरों का खतरा है तो वो बहुत बिल्कुल ही सावधान हो जाते हैं। तो पहला आंसर इसमें बिल्कुल ही सही है। फिर है 75 क्वेश्चन। मृदा युक्त जल डैश के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है ब्रोमीन आयोडीन कैल्सियम ऑक्साइड या फिर फिटकरी। मडी वाटर इज प्योरिफाइड बाय यूज ऑफ ब्रोमीन आयोडीन कैल्सियम ऑक्साइड या फिर एलम। तो किसके द्वारा जो है मडी वाटर यानी कि जो मृदा युक्त जल का मतलब है कि जल में मिट्टी जो मिली हुई है तो उस प्रकार की जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलम यानी कि फिटकरी से उसको शुद्ध किया जाता है। एक मिनट। ठीक है इसका राइट आंसर है फिटकरी। फिर है 76 क्वेश्चन। नवजात को हीमोलिटिक रोग डैश के कारण होता है। हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न अकर्स ड्यू टू आरएच असंगता, हीमोग्लोबिन की कमी, एबीओ असंगता या फिर उक्त में से कोई नहीं। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, नन ऑफ द एबव। 76 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। नवजात को हीमोलिटिक जो रोग होता है यानी कि हीमोलिटिक अनीमिया कह सकते हो तो वो किस वजह से होता है। ओके तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है अब देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी। अब आरएच क्या है ये एक प्रोटीन होता है। पहली बात ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि आरएच वो है क्या। तो आरएच एक प्रोटीन होता है ठीक है और ये सभी में पाया जाता है। बता दूं मैं कि ये सभी में होता है, किसी में पॉजिटिव होता है किसी में निगेटिव होता है लेकिन ये सभी में पाया जाता है। और जो ये आरएच नाम पड़ा हुआ है किसके नाम पर पड़ा हुआ है, एक रेसस मंकी था तो सबसे पहले उसी पर इसके रिसर्च की गई थी इस वजह से उसके नाम पर जो है आरएच पड़ा हुआ है, रेसस मंकी। ओके अब इसमें क्या होता है जो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होती है इसमें अगर मान लो पहली प्रेगनेंसी है ठीक, तो पहली प्रेगनेंसी में क्या होता है जो बेबी होगा वो सेफ रहेगा, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी ठीक। अब देखिए यहां पर मान लीजिए जो फादर है वो आरएच पॉजिटिव है और मदर क्या है आरएच निगेटिव है। बच्चा क्या, जो बच्चा है वो भी आरएच पॉजिटिव है ठीक है। फादर पॉजिटिव है, मदर निगेटिव है और बच्चा आरएच पॉजिटिव है, यानी कि मदर निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है ठीक है। अब क्या होगा जब जाहिर सी बात है फीटल मैटरनल ब्लड ट्रांसफर ड्यूरिंग लेबर, जब लेबर की प्रोसेस होती है तो उस टाइम पर जो फीटल और मैटरनल ब्लड होता है वो ट्रांसफर होता है ठीक। तो उस समय क्या होगा जो बच्चा होगा वो तो होगा सेफ पहला बच्चा, लेकिन क्या होता है कि जो मदर है जो कि आरएच निगेटिव है इज नाउ सेंसिटाइज टू आरएचडी एंटीजन, यानी कि पहला बच्चा तो सेफ होगा लेकिन जब पहला बच्चा होता है तो जो माँ होती है वो एंटीजन के प्रति जो है सेंसिटिव हो जाती है ठीक है, यानी कि संवेदनशील हो जाती है। अब क्या है कि जब जो मां है वो एंटीजन के प्रति सेंसिटिव हो गई ठीक है। अब जब सेंसिटिव हो गई है तो यानी कि उसके अंदर क्या होते हैं एंटीबॉडीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम क्या होता है कि जब भी हमारे शरीर पर कोई एंटीजन अटैक करता है तो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उससे लड़ती हैं और उसको खत्म कर देती हैं ठीक है। तो अब जो माँ है उसके अंदर क्या होता है जब पहला बच्चा होता है तो फिर जो है उनके अंदर जो है एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो क्या होती है जब चूंकि एंटीबॉडीज अंदर बन रहे हैं तो वो एंटीजन के प्रति सेंसिटिव हो जाती है ठीक है। अब जो एंटीजन है वो कौन है, यहाँ पर जो बच्चा है ठीक है वो उसको एंटीजन समझती है ठीक है। लेकिन अभी क्या है चूंकि पहला बच्चा रहता है
तो पहला बच्चा है तो अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो इसमें टाइम लगता है, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है, पहला बच्चा सेफ रहता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब दूसरा बच्चा होता है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब आएगी, अब क्या होगा, रिपीट एनकाउंटर विद फीटल आरएसडी एंटीजन, यानी कि अब वही चीजें दोबारा होंगी। तो चूंकि एक बार जो माँ है वो एंटीजन के प्रति सेंसिटिव हो चुकी है, ठीक है, पहले से ही संवेदनशील है, और प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी एंटीजन बनने की, ओके। अब क्या होगा, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी बाय मदर, यानी कि अब क्या होगा कि जो मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनने की प्रोसेस है वो रैपिड हो जाएगी, ठीक है, तेज हो जाएगी। अभी तक तो क्या था, प्रोसेस पहली प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन अब ये प्रोसेस तेज हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब उसको स्टार्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तो रैपिड प्रोडक्शन होने लगेगा। अब क्या होगा, जो मैटरनल एंटीबॉडीज हैं वो क्या होंगे, क्रॉसेस प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाएंगे, एंटीबॉडीज अटैचेस टू टू फीटल बेबीसीज एंड मार्क्स देम फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी कि अब क्या हो गया, जो मदर के अंदर एंटीबॉडीज बन रहे थे, अब रैपिड प्रोडक्शन हो रहा था, तो क्या हो रहा है, अब जो फीटल मैटरनल ब्लड है वो ट्रांसफर हो ही रहा है, ओके। तो अब क्या होगा, जो माँ की एंटीबॉडीज थी वो प्लेसेंटा से क्रॉस करके बच्चे के अंदर पहुंच जाएंगे, ओके, और बच्चे से जाकर के अटैच हो जाएंगे और बच्चे को एक एंटीजन समझ लेंगे, ठीक है, क्या, क्योंकि क्या है कि माँ निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो बच्चे को एक एंटीजन समझ लेते हैं और उस पर अटैच हो जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उस वजह से जो बच्चा है उसको फीटल और न्यू बॉर्न हिमोलिटिक अनिमिया हो जाती है, ठीक है, ये बीमारी। अब क्या है, अगर सीवियर है तो क्या होता है, बिलरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सीएनएस डैमेज का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये डैमेज हो सकता है, जिन्हें कि कर्निंग्टस बोलते हैं, और इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, ठीक है। माइल्ड केस में क्या होता है, माइल्ड एनीमिया होता है और जॉइंटिस होती है। तो आपने सुना होगा कि अक्सर अगर कोई आरएच नेगेटिव है, कोई माँ आरएच नेगेटिव है, तो पहला बच्चा बच जाता है, सेफ रहता है, लेकिन उसके बाद में कोई भी बच्चे नहीं बचते हैं। तो यही रीजन होता है कि पहले बच्चे में क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो इस वजह से बच्चा बच जाता है, लेकिन जब दूसरा बच्चा होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ही रैपिड हो जाता है और ये काम फटाफट होने लगता है, और बच्चे को जो माँ के अंदर एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे को एंटीजन समझ करके उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। अब यहाँ पर देखिए नोट एक लिखा हुआ है कि इफ मदर इज सेंसिटाइज टू आरएसडी एंटीजन प्रायर टू फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले अगर मान लो मदर पहले ही एंटीजन से सेंसिटिव है, यानी कि संवेदनशील है एंटीजन के प्रति, तो क्या होता है, देन फर्स्ट फीटल विल बी अफेक्टेड, यानी कि पहला बच्चा भी इससे प्रभावित तो हो सकता है अगर वो पहले से एंटीजन के प्रति सेंसिटिव है, ओके। तो यहाँ पर जो आंसर है, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। फिर है 77 क्वेश्चन, हृदय डैश मांसपेशियों का बना होता है, हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ डैश मसल, कार्डियक धारीदार मृदु या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हृदय होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है। फिर है वो 78 क्वेश्चन, वो आधारभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, द बेसिक प्रोसेस बाय विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज, कौन सी है, परासरण, विसरण, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैगोसाइटोसिस या फिर पिनोसाइटोसिस। तो वो कौन सी प्रोसेस है जो कि श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, तो ये है विसरण यानी कि डिफ्यूजन। अब यहाँ पर एक है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, ये होता क्या है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फैगोसाइटोसिस का मतलब है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक फैगोसाइट यानी कि एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका विदेशी पदार्थ यानी कि बैक्टीरिया फॉरेन मटेरियल को घेर लेती है और नष्ट कर देती है और मृत कोशिकाओं को हटा देती है, ठीक है। ये सफेद रक्त जो फैगोसाइट्स होती हैं, ये सफेद रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो हानिकारक
जो विदेशी कणों को अवशोषित करके शरीर की रक्षा करती हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने में मदद करती हैं। ओके, तो यहां बता रही थी कि फेगोसाइटोसिस में क्या होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि हमारे शरीर की रक्षा करती हैं किससे, फॉरेन मटेरियल से, यानी जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, इन सबसे हमारी मदद करती है। अब यहां पर देखिए, बेसिस फॉर कंपैरिजन यहां बताया गया है पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, ये होते क्या है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस इज द इंजेशन ऑफ स्मॉल लिक्विड पार्टिकल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स नोन एज पिनोसोम्स। यानी कि जो पिनोसाइटोसिस होता है इसमें क्या होता है, स्मॉल लिक्विड पार्टिकल का जो है इंजेशन होता है, यानी कि उसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। ओके, और इसमें जो हेल्प करता है उनको बोलते हैं पिनोसोम्स। फैगोसोम्स, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, फैगोसोम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, इसमें पिनोसोम्स होते हैं और इसमें फैगोसोम्स होते हैं। फैगोसोम्स सॉरी फैगोसाइटोसिस यहाँ पर होगा, आर द प्रोसेस ऑफ इंजेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ध्यान दीजिएगा, फैगोसाइटोसिस में किसका इंजेशन हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल का, जबकि पिनोसाइटोसिस में स्मॉल लिक्विड पार्टिकल्स का। ठीक है, और थ्रू किसके थ्रू हो रहा है, दोनों में सेम ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, विद द एड ऑफ लाइसोसोम एंड फैगोसोम्स, यानी कि जिसमें किसकी मदद ली जा रही है, लाइसोसोम्स और फैगोसोम्स की मदद ली जा रही है, जो कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि लार्जर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं। यानी कि जो पिनोसाइटोसिस होता है उसमें पिनोसोम्स की मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्मॉल लिक्विड पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं, उनका उनको ग्रहण किया जाता है, इंजेशन किया जाता है। फाइगोसाइटोसिस में क्या होता है, लाइसोसोम्स और फाइगोसोम्स की मदद ली जाती है, जो क्या करते हैं, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं एंजाइम्स की मदद से, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको इंजेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि ग्रहण कर लिया जाता है। अब यहां पर है, अब ये जो पिनोसाइटोसिस का मतलब है सेलुलर ड्रिंकिंग, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड पार्टिकल को इंजेशन किया जा रहा है। ठीक है, लिक्विड पार्टिकल लिया जा रहा है, जबकि जो फाइगोसाइटोसिस है उसको सेलुलर ईटिंग बोलते हैं, यानी कि इसमें सॉलिड पार्टिकल को जो है उसका डाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, मेथड ऑफ इंगल्फिंग जो है इनमें इन्वेजिनेशन के द्वारा है, इसमें सीडोपोडिया, सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, इनके द्वारा होता है, जैसे कि अमीबा होता है। ठीक है, तो उसमें फॉल्स फीट होते हैं तो उनके द्वारा होता है। टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इंजेशन, इसमें लिक्विड है, इसमें सॉलिड है, ये आप जानते ही हो। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक जो होते हैं, ये नॉट सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, जो पिनोसाइटोसिस होता है इसमें कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट नहीं होता है, और ये जो स्पेसिफिक होते हैं। पर्पस क्या है, फॉर द इनटेक ऑफ पार्टिकल्स, और ये फॉर डिफेंसिव पर्पस, यानी जो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करती है, यानी कि हमें सेफ रखने में मदद करती है रोगों से। वेसिकल्स जो फॉर्म होते हैं, इसमें पिनोसोम, इनमें फैगोसोम है। रोल ऑफ लाइसोसोम का पिनोसाइटोसिस में कोई काम नहीं, और इसमें आपने देखा ही, लाइसोसोम कंबाइन विद फैगोसोम्स टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स थ्रू इनटेक, आयन, सुगर, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये होते हैं। और इनमें क्या होता है, किनका इंजेक्शन होता है, फॉरन पार्टिकल्स का, वायरस, बैक्टीरिया और डस्ट, जिससे हमें बचाया जाता है। साइट क्या, इन सिक्रेटरी सेल्स, सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इनमें क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और प्रोटोजेंस के द्वारा जो है इन बैक्टीरिया, डस्ट और वायरस, इनको जो है खत्म किया जाता है, आप ये कह सकते हो। एग्जाम्पल, किडनी सेपरेट न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लूइड फ्रॉम द यूरिन टू एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटिस। यानी कि जो हमारे यूरिन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है,
तो किडनी क्या करती है, यूरिन में से फ्लूड पार्टिकल को अलग कर देती है और न्यूट्रिएंट्स को अलग कर देती है। ठीक है, अब जो फ्लूड पार्टिकल, अब ये जो मतलब सेपरेट हो रहा है किडनी के द्वारा, जो न्यूट्रिशनल फ्लूड को यूरिन से अलग किया जा रहा है, ठीक है, वो हमारी बॉडी से जो लिक्विड पार्टिकल बाहर निकलता है यूरिन के रूप में, वो किसके द्वारा होता है, पिनोसाइटोसिस के द्वारा। यही कहा जा रहा है, सेपरेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द यूरिन टू एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। यानी ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, जो कि किडनी के द्वारा किया जा रहा है ये काम, ठीक है, यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। अब ये जो है फैगोसाइटोसिस, इसमें क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया बाय द व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देती हैं, जिससे कि हमारे शरीर की रक्षा होती है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि गैसों का आदान प्रदान है तो ये तो नहीं होगा, विसरण होगा इसका आंसर। 79 क्वेश्चन है, उधर आंत्र भित्ति डैश से बना होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल्स इज मेड अप ऑफ किससे, कंकाली मांसपेशी, धारीदार मृदुपेशी या फिर कार्डिक मांसपेशी। तो उधर आंत्र यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल किससे बना होता है, ये स्मूथ मसल से बना होता है, यानी कि मृदु मांसपेशी से बना होता है। फिर है 80 क्वेश्चन, ऑक्सिनेटिक ग्रंथियों को डैश भी कहते हैं, ऑक्सिटिंग ग्लैंड आर ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ग्लैंड, कार्डिक या फिर एल्वेलर। तो जो ऑक्सिटिंग ग्लैंड है उनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि उदर ग्रंथियां। अब देखिए, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था, एक मिनट में बताती हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन कोई ना रहे। एक क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन था, 18 नंबर क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा, उसमें था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी सेल है जो कि एसिड सॉल्यूशन को स्टमक में सिक्रेट करती है। तो हमने बताया था उसमें पराइटल सेल होती है, और उस समय मैंने ये बताया था कि जो पराइटल सेल है उसको ऑक्सेंटिक सेल भी कहते हैं, यानी कि पराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल दोनों एक ही है। ठीक, तो वहां से कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर ग्लैंड की बात की जा रही है, ग्लैंड्स ओके, ग्रंथि की बात की जा रही है। तो यहां पर जो ऑक्सिनेटिक ग्रंथि है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो इसकी जो मुख्य रूप, जो मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो आपकी ऑक्सिनेटिक ग्लैंड ही होती है। ओके, अब ये क्या है, हमारे स्टमक में यानी हमारे पेट में जो 80% जो है आपका, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ही पाई जाती है, जिसे कि हम ऑक्सिनेटिक ग्लैंड भी कह रहे हैं, तो ये 80% पाई जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो ऑक्सिनेटिक ग्लैंड है ये हमारे पूरे स्टमक में, ठीक है, जो कि हमारे जीआईटी का पार्ट है, तो ये क्या है कि जो कि हमारे ऑक्सिनेटिक ग्लैंड 80% हमारे स्टमक में पाई जाती है, इसी वजह से इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कह रहे हैं। ठीक, गैस्ट्रिक का मतलब हो गया स्टमक। अब क्या है कि जो ऑक्सिनेटिक ग्लैंड है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और इसमें पराइटल सेल्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो ऑक्सिनेटिक ग्लैंड है इनके अंदर में पराइटल सेल्स होते हैं, जो कि आपका एचसीएल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से जो ऑक्सिनेटिक सेल्स होती हैं उन्हीं को पराइटल सेल्स भी कहते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं जो पराइटल सेल हैं वो आपके ऑक्सिनेटिक ग्लैंड्स के अंदर होते हैं, ग्रंथ के अंदर सेल्स होती हैं, इसी वजह से उसको हम पराइटल सेल भी कह सकते हैं और ऑक्सिनेटिक सेल भी कह सकते हैं। तो दोनों सेल हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर सेल की बात की जा रही है, ठीक है, तो ऑक्सिनेटिक और पराइटल दोनों सेम है, क्योंकि ऑक्सेंटिक में ही पराइटल सेल पाई जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर ग्लैंड की बात हो रही है तो चूंकि गैस्ट्रिक जो हमारा स्टमक है उसका 80% जो है ग्लैंड जो है वो आपकी ऑक्सेंटिक ही होती है, इसी वजह से इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, अब है 81 क्वेश्चन कि लार में पाचन एंजाइम डैश होता है, सलाइवा कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम, तो आप सभी जानते हो टायरिंग। फिर है
82 क्वेश्चन, शुक्रजनक नलिका डैश में उपस्थित होती है कहां? शुक्रवाहिका, वृषण, शुक्राणु पुटिका या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि। सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन, व्हाट इज द डिफरेंस, और टेस्टिस, सेमिनल वेस्किल या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो शुक्रजनन नलिका यानी कि सेमिफेरस जो ट्यूब्यूल होती है कहां पर उपस्थित होती है? ये आपकी वृषण यानी कि टेस्टिस में होती है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख लो, आप क्लियर हो जाएगा। ये देखिए गोनट्स हैं, ठीक, ये है, ये क्या है, ये वृषण है यानी कि टेस्टिस है, और इसके अंदर में यहां से देखिए पर्पल कलर से जो निकाला जा, ये है यहाँ पर पिक्चर है, डायग्राम है, वो आपका ये है क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो कहां पर है ये आपकी वृषण यानी कि टेस्टिस में पाई जा रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके चलिए अब आते हैं आगे। 83 क्वेश्चन है, शुक्राणु को परिपक्वता डैश में होती है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोवा टेक्स प्लेस इन, कहां पर? अधिवृषण, शुक्राणु पुटिका, वृषण या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि, एपिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल्स, टेस्टिस या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो स्पर्मेटोजोवा यानी जो शुक्राणु है वो उस मैच्योर कहां पर होता है, ये अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस में होता है। तो ये होता कहाँ है, एपिडिडाइमिस, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख जाएगा, ये है, ठीक है, एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण, ये वृषण है, टेस्टिस है, देखिए ये टेस्टिस है यानी कि ये वृषण है, और वृषण के ऊपर जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपका एपिडिडाइमिस है यानी कि अधिवृषण, ठीक है। तो जो स्पर्म का यानी कि जो स्पर्मेटोजोवा है शुक्राणु है उसका मैच्योरेशन यानी कि जो मैच्योर होता है परिपक्व होता है वो यहीं पर होता है, एपिडिडाइमिस में होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, नर में FSH डैश कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, FSH ये इसका फुल फॉर्म हम जानते हो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट्स डैश सेल्स इन मेल, कौन सी, लीडिंग सेल्स, इंटरस्टीशियल सेल्स, सर्टोली सेल्स या फिर सेमिनिफेरस सेल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्टोली सेल्स, यानी कि जो FSH हार्मोन है वो मेल में कौन सी सेल को स्टिमुलेट करता है, ठीक, तो वो है सर्टोली सेल्स। अब देखिए यहां पर भी मैं आपको बता दूं थोड़ी सी कंफ्यूजन है, देखिए एक होती है सर्टोली सेल, एक होती है लीडिंग सेल, तो यहां पर दो हैं, लीडिंग सेल और सर्टोली सेल, दोनों ही जो है बॉडी में पाई जाती हैं। जो सर्टोली सेल है वो क्या होती है, वो न्यूट्रिटिव सेल होती है, और वो कहां पर होती है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। तो यहां पिक्चर में दिखा दूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यहां पर देखिए, देखिए सर्टोली सेल यहां पर लिखा हुआ है, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल कहां पर है, ये देखिए यहां पर दिखाया जा रहा है अंदर, ठीक है। तो जो सर्टोली सेल है वो कहां होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो ये ट्यूब्यूल है, ठीक है, और इसका जो यहां पर पिक्चर दिखाया जा रहा है यानी कि इसको जो है क्रॉस सेक्शन इसका दिखाया जा रहा है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में आपकी सर्टोली सेल्स हो गई, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, ये मेल जो जर्म सेल्स होती हैं उनको नरिशमेंट यानी कि पोषण प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि एक न्यूट्रिटिव सेल होती हैं और ये इनहिबिन नामक हार्मोन भी प्रोड्यूस करती हैं। और जो लीडिंग सेल यहाँ पर देखिए, लीडिंग सेल, इंटरस्टीशियल और लीडिंग सेल, जो लीडिंग सेल होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जिसे कि एंड्रोजेंस भी बोलते हैं, तो इनको प्रोड्यूस करती हैं। तो ये पहले भी क्वेश्चन आया है कि लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लीडिंग सेल प्रोड्यूस करती हैं, और जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो इनहिबिन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब इनहिबिन कहीं पर इसको हार्मोन बोला गया है, कहीं पर आपको प्रोटीन लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही है। अब जो लीडिंग सेल है ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए पिक्चर, ये जो है ये है लीडिंग सेल, तो ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब है, ये जो ट्यूब्यूल है इसके बाहर उपस्थित है, ठीक है। तो जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर उपस्थित होती हैं, ठीक है, बाहर जो इंटरस्टीशियल स्पेसेस होते हैं, इंटरस्टीशियल स्पेस का मतलब है जो सेल्स के बीच में जगह होती है, इसी वजह से इसको इंटरस्टीशियल सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो उनमें उपस्थित होती हैं और ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस करती है,
ठीक है। अब जो सर्टोली सेल्स होती हैं, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, ये FSH हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होती हैं, जबकि जो लीडिंग सेल होती हैं वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होती हैं, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। तो ध्यान होगा आपको, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि लीडिंग सेल जो है कौन से हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होती हैं, तो वो है LH हार्मोन। दोनों अलग अलग हैं, सर्टोली सेल्स FSH हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होती है और जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो LH हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इसी पेपर में आया हुआ है, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लो। ओके, अब दोनों ही सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक हार्मोन रिसेप्टर की तरह काम करती हैं, क्योंकि ये FSH हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट हो रही हैं और LH हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट हो रही हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। अब इस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या है, तो ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इससे बन रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये जब फर्दर डिवाइड हो रहा है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। अभी आगे फर्दर फिर डिवाइड हो रहा है, एक से दो, दो से फिर चार बन रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, तो स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। अब जो ये स्पर्मेटिड्स हैं इनके अंदर क्या है, ये है स्पर्म जो कि यहाँ पर फिर निकल रहे हैं। स्पर्मेटिड्स के अंदर स्पर्म है जो कि यहाँ से फिर देख रहे हो आप रिलीज हो रहे हैं, निकल रहे हैं, जो कि अभी इमेच्योर है। ओके, और ये देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हो, अगर देखिए जैसा आपने देखा होगा जो ये पीजीटी वाला पेपर है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अगर आप जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर दोनों का आप सिर्फ स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यही पूछा गया है कि कौन सा सेल कहाँ पर है, ठीक है, स्क्रॉटम कहाँ पर है, वॉस डिफरेंस कहाँ पर है, सेमिनल वेस्किल कहाँ पर है, एब्रिडाइमिस कहाँ पर है। फिलहाल आप डिटेल में पढ़ लो कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, लेकिन पिक्चर्स अगर आप ध्यान में रखते हो तो कई सारे क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखो ये पेनिस है, ठीक है, ये पेनिस है और ये है टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर ही जस्ट वृषण है, अधिवृषण बोलते हैं इसको, टेस्टिस को वृषण बोलते हैं और इसको अधिवृषण बोलते हैं एब्रिडाइमिस, और ये दोनों ही के बाहर जो ये दिख रहा है उसको बोलते हैं स्क्रॉटम, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप एक पतली सी नलिका टाइप का देख रहे हो ये है वासा डिफरेंस, जिसे कि स्पर्म डक्ट बोलते हैं, यानी कि शुक्राणु नलिका है ये। देखिए ये शुक्राणु नलिका कहाँ पर अटैच हो रही है, एपिडिडाइमिस यानी कि अधिवृषण से अटैच हो रही है, ठीक है। अब ये जो शुक्राणु नलिका, ठीक है, ये यहाँ जा रही है, ये है, ये क्या है, ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो कि यूरिन एक्सक्रीट करने में मदद करता है, ठीक है, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यहाँ पर ब्लैडर अटैच है, इसके पीछे देख रहे हो आप प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, और इसी में जो है आपका सेमिनल वेस्किल भी है। तो पिक्चर आप ध्यान में रखो, कई सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर है 85 क्वेश्चन, कार्पस लूटियम डैश श्रावित करती है प्रोजेस्ट्रॉन ए और सी दोनों, एस्ट्रोजन या फिर थायरोक्सिन, यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही प्रोड्यूस करती है कार्पस ल्यूटियम। अब कार्पस ल्यूटियम होता क्या है तो ये भी देख लेते हैं, देखिए ये है ओवेरियन साइकिल, ठीक है। अब कार्पस ल्यूटियम जो है इसमें बताऊं कि किशोरावस्था में क्या होता है कि अंडाशय यानी कि ओबरी में फॉलिकल परिपक्व हो जाते हैं, फॉलिकल बनने लगते हैं, ठीक है, किशोरावस्था में जो ओबरी होती है उनमें फॉलिकल का निर्माण होने लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर 28 डेज की साइकिल दी गई है, ठीक है, तो साइकिल जब यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है या फिर जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है,
तो फिर जो है उनमें डिफरेंट, उसमें उस समय होता क्या है, तो क्या है कि जो ओवरी होती है उनमें क्या होते हैं, फॉलिकल डेवलप होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। तो देखिए ये फॉलिकल है, धीरे धीरे ये क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। पहले इतने छोटे थे, फिर इससे अधिक मैच्योर हुए, इससे फिर और ज्यादा मैच्योर हुए यहां पर, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो ये ब्लू कलर की लाइन, ये वाली लाइन दिख रही है यहां से यहां तक का, ये जो है इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो FSH हार्मोन है कॉजेस फॉलिकल टू मैच्योर एंड प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन इनहिबिटिंग डेवलपमेंट ऑफ अदर फॉलिकल्स। तो क्या होता है, जो FSH हार्मोन होता है वो जो फॉलिकल होते हैं उनको मैच्योर करने में मदद करता है, और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उनको प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, यानी कि ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, और फॉलिकल को मैच्योर होने में मदद करता है, और जो अदर फॉलिकल होते हैं उनके डेवलपमेंट को रोक देता है, ठीक। सिर्फ जो ये फॉलिकल है, अच्छा इन फॉलिकल का नाम है ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। अब ये यहां पर मैच्योर हो रहा है, ठीक है, मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद यहां पर आप देख रहे हो कि इसमें से ओसाइट यानी कि जो ओबम है, जब ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद में ये क्या होता है, फट जाता है, फटने के बाद में जो इसमें से क्या होता है, ओबम बाहर निकल आता है, ठीक है। अब जो फॉलिकल से, यानी फॉलिकल आप कह सकते हो कि जो ओबरी है उसकी सरफेस लेयर है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर ओबरी से ओबम बाहर, ओबरी इसी के अंदर ही है, यानी कि फॉलिकल के अंदर ही ओबरी है, उसमें ओबम है, तो फॉलिकल फटा और ओबरी से ओबम बाहर आ गया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओवल्यूशन, अंडपाद जिसे कहते हैं हिंदी में। अब इसमें क्या होता है, एन एलएच हार्मोन सर्च कॉजेस ओवल्यूशन, यानी कि जो ओवल्यूशन की प्रोसेस होती है इनमें कौन मदद करता है, एलएच हार्मोन। अब क्या होता है, फॉलिकल रप्चर हो जाता है यानी कि फट जाता है, एंड रिलीजेस अ सेकेंडरी ओसाइट, यानी कि इसमें से ओवम बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो पिंक कलर की लाइन है इसको कह रहे हैं ये ओवल्यूशन फेज है। उसके बाद में आता है जो ग्रीन कलर का यहां पर दिख रहा है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक। अब क्या होता है, यहां से ओबम बाहर आ गया, अब इस टाइम पर जब ओबम ओबरी से बाहर आता है, अब इस टाइम पर अगर मान लीजिए 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे के बीच में, अगर इसको 24 से 36 या फिर हम 12 से 36 घंटे के बीच में अगर मान लो ओबम को कोई स्पर्म मिल जाता है, ठीक है, यानी कि सेक्स के दौरान अगर स्पर्म जो है ओबम को, जब ये ओवल्यूशन की प्रोसेस हो रही है उस टाइम पर, ओवल्यूशन के बाद 12 से 36 घंटे के बीच में अगर कोई स्पर्म मिल जाता है, कोई शुक्राणु मिल जाता है, तो क्या होता है कि जो है माँ प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसके आगे क्या प्रोसेस होती है वो आप देख सकते हैं, एक मिनट बताती हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तो अब क्या हो रहा है, मान लीजिए ओबम को स्पर्म मिल गया, तो क्या हो जाएगा कि फिर जो है एक जायगोट का डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि एक नई सेल का निर्माण हो जाएगा, यानी कि एक जो है माँ जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी, ओके, नए जीव का जन्म हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए ओबम को 12 से 36 घंटे के बीच में कोई स्पर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पर क्या होगा, जो ये बाहर वाला जो फॉलिकल था, ग्रेफियन फॉलिकल जिसे हम कह रहे हैं, तो ये क्या होता है, जब ओबम ओबरी से बाहर निकल जाता है और फॉलिकल फट जाता है, तो ओबम तो बाहर निकल गया, और जो ये फॉलिकल है ये धीरे 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 क्या होता है, डीजनरेट होने लगता है, यानी कि खत्म होने लगता है। देखिए पहले इस तरीके से था, फिर ऐसा हुआ, उसके बाद में बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है और खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीजनरेटिक
कॉर्पस लूटियम। तो अब ये जो फॉलिकल है, जब ये फट करके इसमें से ओवम बाहर निकल आता है, और ये किसमें, जो फॉलिकल है वो किसमें चेंज हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, ये वाला, ठीक है। तो यही जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किसमें बदल जाता है, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, और धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। तो यहां पर देखिए, ल्यूटियल फेज रप्चर्ड फॉलिकल फॉर्म्स आ कार्पस ल्यूटियम एंड सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन, और ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है, और कुछ एस्ट्रोजन हार्मोन को भी सिक्रेट करता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए ओवम को कोई स्पर्म नहीं मिलता है, तो क्या होता है, इसके साथ में जैसे जैसे जो ये फॉलिकल है मैच्योर होते जाते हैं, वैसे वैसे जो गर्भाशय है उसका जो अंदर वाला भाग होता है, अंदर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, मैच्योर होती चली जाती है, यानी कि मोटी होती चली जाती है, और उसमें ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ये सब जो है फिल होते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो गर्भाशय की दीवार होती है वो मोटी होती चली जाती है। जैसे फॉलिकल मैच्योर होते हैं, वैसे वैसे गर्भाशय की दीवार भी मैच्योर होती चली जाती है और मोटी होती चली जाती है। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ओवम को जो है स्पर्म मिल गया, तो क्या होता है, जो गर्भाशय की दीवार थी, चूंकि गर्भाशय में ही इम्प्लांट होता है ओवम, ठीक है, तो जब जायगोट उसमें इम्प्लांट होता है, तो वही जो गर्भाशय की दीवार मोटी हुई है उसी से क्या होता है, बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलने लगते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है, तो जो गर्भाशय की दीवार है वो मैच्योर होकर के फट जाती है, और क्या होता है, ब्लड आने लगता है। तो ये जो सारी प्रोसेस होने में 28 डेज लगते हैं, ठीक है, और जो 28 डेज पर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वही जो गर्भाशय की दीवार फट रही है, उसे जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर से बाहर आने लगता है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल, व्हेन द कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट फॉर्म्स अ कार्पस एल्विकस, यानी जो कार्पस ल्यूटियम है जब वो इनएक्टिव हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, तो कार्पस एल्विकस उसको बोलते हैं। अ न्यू ओवेरियन साइकिल कैन बिगिन, यानी कि यहाँ पर खत्म, और फिर उसके बाद में नई ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये देख सकते हो आप, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में फिर डेवलप हुआ फॉलिकल, फिर मैच्योर हुआ, ठीक है, अब मैच्योर होने के बाद में यहाँ से ओवुलेशन हुआ, यानी कि ओवम जो है बाहर निकल आया, और फिर ये जो कार्पस ल्यूटियम बचा, और फिर ये क्या होता है, जब इनएक्टिव हो जाए, डिजेनरेट हो जाता है, तो इसको कार्पस एल्विकन्स बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम को ही एल्विकन्स बोलते हैं। चलिए अब आते हैं 86 क्वेश्चन पर। कोशिका झिल्ली के लिपिड द्वि परत में फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स इन लिपिड बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, बोथ ए एंड सी, या फिर नन ऑफ द इस, तो इसमें दोनों ही हो जाएंगे, ए और सी दोनों, यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों। फिर है 87 क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति निवास है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, लाइसोसोम को आप जानते ही हो, सुसाइडल बैग बोलते हैं। फिर है फेलोपियन नली डैश भी कहलाती है, तो ओविडक्ट, यूट्रस एम्पुली, या फिर एंडोमेट्रियम, तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसको अंड नली भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में ओविडक्ट भी कहते हैं। फिर है 89 क्वेश्चन, बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियां कहलाती है, पैटर्न ऑफ लार्ज फ्लावर एंड लीव्स ऑन ढाका साड़ीज आर नोन एज, फुलवार, जतार, तोरेदार, या फिर पन्ना हजार, तो इसको बोलते हैं तोरेदार। चलिए अब आते हैं 90 क्वेश्चन पर, रक्त की प्रकृति हल्की डैश होती है, ब्लड इज स्लाइटली डैश इन नेचर, अम्लीय, क्षारीय, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं, तो जो रक्त की प्रकृति होती है वो अल्कलाइन होती है, यानी कि चूंकि आप इसी पेपर में आपने पढ़ा था, इसमें पीएच पूछा गया था, रक्त का होता है 7.4, तो 7 से अबव अगर पीएच है तो फिर वो अल्कलाइन नेचर का होगा, यानी कि क्षारीय होगा। फिर है वर्ण, गहराई और मान डैश की तीन भिन्न विमाएं हैं, पैटर्न, संरचना, रंग और रेखा, ह्यू, इंटेंसिटी और वैल्यू आर द थ्री डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पैटर्न, टेक्सचर, कलर, या फिर लाइन, यानी जो ह्यू, इंटेंसिटी और वैल्यू है ये किसकी तीन विमाएं हैं, तो वो है रंग की, ठीक है। ह्यू का मतलब होता है कलर का नाम होता है, ठीक है, कलर नेम, जो इंटेंसिटी है उसका मतलब होता है डलनेस एंड ब्राइटनेस,
और जो वैल्यू है ये होता है लाइटनेस एंड डार्कनेस। तो सब कलर के ही हैं, कलर अगर लाइट होगा डार्क होगा तो उसको वैल्यू बोल देंगे, अगर वो डल और ब्राइट होगा तो इंटेंसिटी बोलेंगे, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता होती है, और कलर नेम जो है वो उसको ह्यू बोलते हैं। तो सब कलर के ही डायमेंशन है। फिर 92 क्वेश्चन, इनमें से सही युग्म है, ऑफ दीज द करेक्ट पेयर इज, ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट पेयर है वो है आपका पहला ए आंसर सही है, पैठानी महाराष्ट्र, ठीक है। बालूचरी जो है वो आपके बंगाल में फेमस है, ठीक, ये बालूचर बंगाल में फेमस है तो ये गलत हो जाएगा। बनारस में ब्रोकेड है, ठीक है, तो ये भी गलत है, और जो कांजीवरम है ये तमिलनाडु, ठीक है। चलिए फिर है 93 क्वेश्चन, बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त तो सर्वाधिक आम रंग है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइज फॉर बाटिक वर्क आर एसिडिक, नेपथॉल, एनियोनिक या फिर सल्फर डाई, तो इसका राइट आंसर है नेपथॉल डाई। फिर है चुन्नट तह या नमूना डैश में केंद्र बिंदु से चमकता है, प्लीट सीम्स और मोटिव्स रेडिएट फ्रॉम फोकल पॉइंट इन किस में, उर्ध्वाधर संतुलन में, अर्धव्यासीय संतुलन में, अनौपचारिक संतुलन में या फिर औपचारिक संतुलन में, तो इसका जो राइट आंसर है वो रेडियल बैलेंस यानी कि अर्धव्यासीय संतुलन में। चुन्नट तह या नमूना केंद्र बिंदु से चमकता है किसमें, रेडियल बैलेंस में, तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा रेडियल बैलेंस का मतलब क्या है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ आपके डिजाइन है, ठीक है, पांच होते हैं आपको पता ही, उसमें से एक रिदम होता है और रिदम में ही रेडिएशन आ जाता है, तो रेडिएशन का मतलब ये है जो कि केंद्र बिंदु से चमकता है, यानी कि केंद्र से, देखिए ये ऐसे निकली हुई है और ड्रेस में ऐसे होती है, यहाँ पर ये केंद्र है और यहाँ से ऐसे लाइनिंग आई हुई है, यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर मैं ड्रेस दिखा देती हूँ आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए ये है क्या, ये केंद्र हो गया और यहाँ से फिर ऐसे लाइनिंग गई हुई है, ठीक है, तो ये केंद्र बिंदु से चमकता है, रेडिएशन रिदम जो है आपका केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है। देखिए अब ये प्लेट्स हैं, ये केंद्र बिंदु हो गया, अब यहां से ऐसे प्लेट्स जा रही है चारों तरफ, तो जो मेन है क्या है, ये आपका केंद्र है, यहां पर भी केंद्र है, चुन्नट में अगर देख लें तो ये देखिए ये भी केंद्र है और यहां से ये चुन्नट जा रही है, तो ये क्या है, रेडिएशन जो कि रिदम के अंदर आता है, ओके। फिर है 95 क्वेश्चन, चलचित्र किस प्रकार के विस्तारण शिक्षा विधि है, मोशन पिक्चर्स आर विच टाइप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, स्पोकन एंड विजुअल, स्पोकन विजुअल या फिर ऑडियो, ओके, तो ये जो है आपकी, इसका जो राइट आंसर है वो है विजुअल यानी कि दृश्य, जो मोशन पिक्चर्स होते हैं वो क्या किस एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में आते हैं, विजुअल में यानी कि दृश्य में, यानी कि जो मोशन पिक्चर होते हैं वो सिर्फ दिखाई देते हैं, उसमें कोई भी ऑडियो यानी कि आवाज नहीं होती है। और इसमें बता दूं कि जो पहली, इसको हम साइलेंट, जैसे कि साइलेंट मूवीज होती हैं उसमें क्या होता है, पिक्चर्स चलते रहते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं आती, जैसे पहले की जो मूवीज होती थी तो उसमें क्या होता था, पिक्चर्स चलते रहते थे, मूवमेंट होता रहता था लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती थी, तो उसको साइलेंट मूवी बोलते थे। तो जो पहली साइलेंट फिल्म है वो आप लोगों को पता होगा, राजा हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र, ये क्या है, पहली साइलेंट मूवी है जो कि 1913 में रिलीज हुई थी, और किसने रिलीज किया था इसको, दादा साहब फाल्के ने, दादा साहब फाल्के ने ये किया था, इसी वजह से जो फाल्के अवार्ड दिया जाता है ये इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, दादा साहब फाल्के के नाम पर ही जो है अवार्ड दिए जाते हैं। तो पहली जो मूवी बनी थी जिसमें कि जो कि साइलेंट मूवी थी उसमें कोई भी आवाज नहीं थी, वो थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं जिसे आप समझ में आ जाए कि मोशन पिक्चर्स, ये भी एक मोशन पिक्चर थी जिसमें कि कोई आवाज नहीं होती यानी कि सिर्फ विजुअल्स होते हैं, मूवमेंट होता है। 96 क्वेश्चन, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का वर्धन डैश का प्राथमिक उद्देश्य है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ,
क्यूरेटिव मेडिसिन, प्रिमिटिव, प्रिवेंटिव या फिर मॉडर्न मेडिसिन। तो इसका आंसर होगा प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी कि रोकथाम दवा। फिर है 97 क्वेश्चन, काली खांसी डैश से होती है, हुपिंग कफ इज कॉज्ड बाय। एन मेनिनजाइटिस, एम न्यूमोनी, एस पायोजींस या फिर बी पर्टुसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी पर्टुसिस। इसका फुल फॉर्म है बॉर्डेटेला पर्टुसिस। ठीक है, तो जो काली खांसी है वो पर्टुसिस से होती है, बी पर्टुसिस। और इसका बी का फुल फॉर्म है, माने पूरा नाम है बॉर्डेटेला, BORDE TELLA। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पूरा नाम बॉर्डेटेला पर्टुसिस इससे होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर एन मेनिनजाइटिस है, तो एन का मतलब है निसेरिया। ठीक है, और यहाँ पर एम का फुल फॉर्म है माइकोप्लाज्मा। ओके, एस पायोजींस। ओके, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजींस है। ठीक, ओके। अब यहां पर ये तो जानते ही हो, न्यूमोनिया, माइको न्यूमोनिया, जो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया से कि न्यूमोनिया होता है। ठीक है, और पायोजींस जो है, यहाँ एस पायोजींस है, इससे क्या होता है, इससे जो स्कारलेट फीवर होता है जिसमें रैसेस पड़ जाते हैं, या फिर फेरेंजाइटिस, ये पायोजींस से होता है, बॉटलर से जानते हो। और मेनिनजाइटिस, तो यहाँ पर पिक्चर दिखा दूँ, ये देखिए जो मेनिनजाइटिस बीमारी होती है वो इस तरीके से होती है, देख रहे हो, हमें चकत्ते पड़े हुए हैं, तो ये मेनिनजाइटिस में होता है। चलिए अब आते हैं 98 क्वेश्चन पर, अन्य गैसें जैसे जो न्यून मात्रा में वायु में है, अदर गैसेस विच अकर इन ट्रेसेस इन एयर आर ऑर्गन, नियॉन, अमोनिया या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए जो एयर में गैसेस होती हैं उसमें अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं होती है। ठीक है, ये अलग बात है कि पॉल्यूशन की वजह से वो उनमें मिक्स हो जाती है, लेकिन जो गैसेस होती हैं उनमें जो है बहुत कम मात्रा में जो रहती हैं वो है आपकी ऑर्गन और नियॉन, यानी कि पहला और दूसरा सही है। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हो जो गैसेस कौन कौन सी होती है वायुमंडल में। देखिए सबसे अधिक क्या होती है, नाइट्रोजन 78.8% होती है, ऑक्सीजन 20.95% होती है, ऑर्गन जो है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है, नियॉन जो है 0.002%, हीलियम भी उससे कम 0.005%, 0.001 क्रिप्टॉन है, जीनॉन उससे कम है, हाइड्रोजन 0.00005% है। ठीक है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है और उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फिर सारी गैसें आ जाती हैं जो कि आपके वायुमंडल की हवा में, वायु में प्रेजेंट होती हैं। 99 क्वेश्चन है कि कृत्रिम वायु आवागमन अधिकतर डैश जैसे स्थानों पर पाया जाता है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन इज मोस्टली रिसोर्टेड टू प्लेसेस सच एज पब्लिक हॉल, सिनेमास, फैक्ट्रीज या फिर बस स्टॉप। तो जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है वो किन स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका बी वाला आंसर सही होगा, बी का मतलब है पहला, दूसरा और तीसरा सही। सार्वजनिक हॉल में पाया जाता है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, सिनेमा हॉल में पाया जाता है और कारखाने पाया जाता है। बस अड्डे में आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल वेंटिलेशन नहीं पाया जाता, क्योंकि आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के लिए बंद एरिया चाहिए। ठीक है, जिससे कि वेंटिलेशन अच्छे से हो सके, जैसे हम एसी का यूज करते हैं वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, रूम हम बंद कर लेते हैं या फिर जो भी हॉल होता है वो बंद करते हैं, तभी एसी काम करती है। तो बस अड्डे पर ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से सार्वजनिक हॉल, सिनेमा, कारखाना, ये जो है आपके इसका राइट आंसर होगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन, 100 ईपीए को विस्तारित करना, यानी एक्सपेंड ईपीए, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है इकोसा पेंटानोइक एसिड, ईपीए इकोसा पेंटानोइक एसिड, जो कि आपका ओमेगा फैटी एसिड है।
ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 9, ठीक है, फैटी एसिड्स इसके बारे में। ओके, चलिए फिर इसके बाद 100 के बाद में 25 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही आपके साथ में शेयर करेंगे, तो आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको, जब यहाँ पर मैंने बहुत कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई हैं, तो उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, जो कि आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन लाइक और शेयर जरूर करें, और इसको नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है, और स्पेशली जो सिस्टम वाले क्वेश्चन है उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप जानते ही हो टीजीटी और पीजीटी में फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जो उसमें सिस्टम दिए गए हैं वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और इस पर जो सिस्टम पर है मैंने वीडियो पहले भी डाला हुआ है, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है सिस्टम का, उसमें ग्लैंड के बारे में भी हमने जो है वीडियो शेयर किया हुआ है, ठीक है, सेल्स वगैरह भी से शेयर किया हुआ है, सिस्टम भी शेयर किया हुआ है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।